डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 3 जो ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स हैं पढ़ने जा रहे हैं। कहता है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू सर्वाइव, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी। सभी जानदार चीज़ों को खाने की ज़रूरत, खुराक की ज़रूरत होती है, एक तो ज़िंदा रहने के लिए, दूसरा एनर्जी के लिए और तीसरा सेहतमंद रहने के लिए। सभी जानवर या हम जानदार चीज़ें कह सकते हैं, सभी जानदार चीज़ें जो हैं आमतौर पे जो एनिमल्स हैं उनकी जो खाने की आदतें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। सभी जानवर जो हैं एक जैसा नहीं खाते हैं। जैसे जानवर जो हैं तीन टाइप्स के होते हैं, सबसे पहले हर्बीवोर्स एनिमल्स, दूसरा है कार्निवोर्स और तीसरा ओमनीवोर्स। अब हर्बीवोर्स एनिमल कौन से होते हैं? वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसे काऊ, गाय हैं, डियर, हिरन हैं, बकरी हैं, एलिफेंट हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे जानवर इसमें आते हैं। उसके बाद है कार्निवोर्स एनिमल्स, वो जानवर दोज एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो जानवर जो सिर्फ दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं, मतलब वो पौधे या और कुछ चीज़ नहीं खाते। जैसे इसमें टाइगर आता है, लाइन है, क्रोकोडाइल है, वुल्फ है, और हैं ओमनीवोर्स एनिमल्स, वो जानवर जो पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, जैसे बियर हैं, रैट है, कॉकरोचेज हैं और इंसान। इंसान भी ओमनीवोर्स है, मतलब हम पौधे भी खाते हैं और जानवरों का मीट भी खाते हैं। ये तो थे कि तीन किस्म के, मतलब जानवर जो मुख्तलिफ किस्म की का खाना या गज़ा खाते हैं। अब तरीका भी मुख्तलिफ होता है जानवरों का खाना खाने का। कोई जानवर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे पौधे, जानवर। या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लिक्विड फूड लेते हैं बाई सकिंग, जैसे हमारी बटरफ्लाइज हैं, वो क्या करती हैं, वो फूलों का रस पीती हैं, या दूसरे पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, वो किसी ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, उनका ब्लड लेते हैं या और कुछ। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पूरा ऑर्गेनिज्म ही अंदर ले लेते हैं, जैसे लिजर्ड्स हैं या फ्रॉग्स हैं, वो क्या करते हैं, उनकी टंग जो होती है वो स्टिकी होती है, मतलब उनके साथ कोई भी चीज़ चिपक जाती है, तो वो क्या करते हैं, उनकी टांग के साथ कीड़े जो हैं वो चिपक जाते हैं, तो और वो पूरा कीड़ा ही अंदर ले लेते हैं, फिर अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।